जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं प्रशासन ने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। ये जानकारी डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने दी। डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक और हादसा सामने आया है जिसमें बाइक सवार की मृत्यु हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस द्वारा रोड एक्सीडेंट डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके माध्यम से हादसों के विभिन्न कारणों का पता लगाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से जो है मंडी जिला में हादसे जो है सड़क हादसों में वृद्धि हुई है। इसमें चालक की लापरवाही जो है मेन कारण है। कई जगह फोन का सुनना, कई जगह ड्रिंक करके चलाना। तो आज भी एक ऐसा हादसा हमारे सामने आया है जो गुम्मा में हुआ है, जहां पे एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई है। उनका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। आपके माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि ट्रैफिक रूल का जो है पालन करना चाहिए। जो हेलमेट होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए होता है, सीट बेल्ट है अपनी सेफ्टी के लिए होती है। तो सभी जो ट्रैफिक रूल का कायदे कानून का अगर पालन करेंगे और हम सही स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो हादसों में नेचुरली है कि कमी आएगी। और अपनी जो जान हर परिवार के लिए, देश के लिए बहुत कीमती है, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि अपनी जान के लिए आप सब लोग अपना ध्यान दीजिए कि ट्रैफिक रूल और ट्रैफिक नियम अगर ढंग से पालन करेंगे तो ना ही अपना नुकसान होगा ना ही दूसरे का नुकसान होगा। साथ ही साथ एक हिमाचल पुलिस ने RADMS करके रोड एक्सीडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसके तहत हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हादसों के क्या कारण हैं, ब्लैक स्पॉट जो है आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, और हादसों के जो विभिन्न कारण हैं उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में जो है हम उनको इम्प्रूव कर सके और हादसों में कमी आए।